ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई? यूनिट वेक्टर नोटेशन में हमने लिखना सीखा था ना, जैसे यूनिट वेक्टर नोटेशन क्या हो जाता है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, है ना, इसके टर्म में लिखना। इसको हम देखेंगे कि अभी हमने नॉर्मल वेक्टर को यूनिट वेक्टर नोटेशन में लिखना सीखा कल जो करा था, है ना। अपन बनाते थे 10 न्यूटन इधर है, 37 डिग्री पे, तो फिर हम एक्स और वाई कंपोनेंट निकालते थे और लिखते थे। अब हम ये करेंगे कि अगर हमको मान लो कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर नोटेशन में दिया गया है, मान लो कोई भी वेक्टर है, तुम्हारा पी वेक्टर है, पी वेक्टर तुमको गिवन है, से पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप, है ना। ये एक्स बस दिखाने का तरीका है ना, ये मैं सोचना पी इंटू एक्स नहीं है, ये समझ रहे हो, इसका मतलब है एक्स कंपोनेंट ऑफ पी, इसका मतलब है वाई कंपोनेंट ऑफ पी। तो जैसे अपन ने लिख दिया, ये यूनिट वेक्टर नोटेशन हो गया। तो अब मैं पूछूंगा कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है और ये वेक्टर कितने एंगल पे है। तो अगर तुम्हें आई कैप और जे कैप के टर्म में दिया है, तो उससे हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे बताएंगे वेक्टर का, तो वो सीखते हैं अपन। तो बहुत ही आसान है, इसको एक्स वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। ये क्या बोल रहे हैं भाई, एक्स आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में कितना जाना है, पी एक्स। तो ये बना दिया एक वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर हो गया, पी एक्स आई कैप। अब वाई डायरेक्शन में कितना, जे कैप मतलब वाई डायरेक्शन, कितना जाना है, पी वाई। तो पी वाई अमाउंट तुम चले जाओ वाई डायरेक्शन में, और इन दोनों को ऐड करने पर ही तुमको क्या मिल रहा है, पी वेक्टर। तो ये लो तुमको मिल गया अपना पी वेक्टर, ये तुम्हारा पी वेक्टर आ गया। अब क्या ये हाइपोटेन्यूज तो है, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बताओ पी का, पी स्क्वायर इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर। तो किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तुम इस तरह से निकाल सकते हो, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर। आ रहा है समझ में, ठीक है। और यहीं पर अगर ये प्लस पी जेड के कैप होता, तो पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर आ जाता। वो भी हम करेंगे, अभी 3D में भी बताऊंगा मैं, वो भी हम करेंगे, ठीक है। अब चलो, ये तो पहला पॉइंट हो गया मैग्नीट्यूड, है ना, ये तुमने मैग्नीट्यूड निकाल दिया इस वेक्टर का। अगली क्या चीज़ होती है भाई वेक्टर में, डायरेक्शन। तो मान लेते कुछ अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो कितना हो जाएगा बताओ, टेन अल्फा क्या हो जाएगा, पी वाई बाय पी एक्स। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है ना, इससे सिर्फ इस अकेले इन्फॉर्मेशन से वेक्टर का एंगल बताना, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है ना, जब तुम ऐसे करोगे तो अल्फा तुम्हारा पॉजिटिव निकल के आ सकता है, या फिर अल्फा तुम्हारा नेगेटिव निकल के आ सकता है। तो ध्यान रखना, ये अपन ने अभी इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है, तो जब भी अल्फा पॉजिटिव निकल के आएगा, उसका मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब क्योंकि वेक्टर जरूरी थोड़ी ना ऐसा है, मैं बोलूँ 3i कैप माइनस 4j कैप, तो 3i कैप माइनस 4j कैप वो ऐसा आ जाएगा, तो उस केस में तुम्हारा पी वाई बाई पी एक्स नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव भी हो सकता है अल्फा, तुम्हारा नेगेटिव भी आ सकता है। जब अल्फा नेगेटिव आ जाएगा तो क्या, कौन सा डायरेक्शन में होगा वो, क्लॉकवाइज, ठीक है। एक चीज़ और है, अगर तुम्हारा पी एक्स पॉजिटिव है, मतलब एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, अगर एक्स कंपोनेंट तुम्हारा पॉजिटिव है, तो अल्फा एंगल किससे है, अल्फा इज विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और अगर तुम्हारा पी एक्स नेगेटिव है, देन अल्फा इज विद नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब इसका मतलब तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आ जाएगा, लिखो अभी क्वेश्चन से इसको फिर हम समझेंगे, ठीक है। तो अब समझते हैं ना इसका मतलब क्या है, ये जो हमने लिखा है, तो अब से लिखना तुम्हें बहुत जल्दी है ना, जितनी देर में मैं बोर्ड पे लिख लूँगा उतनी देर में मैं मिटा भी दूंगा, मेरे साथ पैरेलली लिखना है तुम लोगों को, लिखने के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, दिमाग और हाथ साथ चलाना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स विद एक्स एक्सिस। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एंगल ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। फाइंड द एंगल ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, लिखो ना, बहुत सारे दे रहा हूँ। पहला ए वेक्टर, ए वेक्टर इक्वल टू 3i कैप
प्लस फोर जे कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस थ्री आई कैप माइनस फोर जे कैप, सी वेक्टर इक्वल टू माइनस थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप। करो ये तीन वेक्टर दिए हैं तुम्हें, इनके एंगल बताओ भाई, इनको इनफैक्ट ड्रॉ करके बताओ ना, एंगल निकालो और ड्रॉ करके बताओ एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स पे। ठीक है, इसका एंगल निकालते हैं सबसे पहले ए वेक्टर का, है ना। तो ए वेक्टर का एंगल क्या हो जाएगा भाई, टेन अल्फा ए इक्वल टू पी वाई बाई पी एक्स, वाई क्या है फोर और एक्स में क्या है थ्री, फोर बाई थ्री। कब होता है फोर बाई थ्री, 53 डिग्री। ठीक है, तो 53 आ रहा है ना, तो चलो पहले सारे एंगल निकाल लेते हैं, बी वाला निकालते हैं, टेन अल्फा बी क्या आएगा भाई, माइनस फोर बाय माइनस थ्री विच इज इक्वल टू फोर बाई थ्री, अगेन एंगल क्या आ गया, तो समझ रहे हो, सिर्फ अगर ये चीज़ देख के बोलने लगे, ये तो बोल रहे दोनों 53 डिग्री पे हैं, तो क्या दोनों सेम हो गए क्या, देख के पता चल रहा है एक दूसरे का अपोजिट होने वाला है ना, बी वेक्टर इक्वल टू माइनस ए वेक्टर दिख रहा है ना, पर ये तो बोल रहा है भाई दोनों 53 डिग्री पे हैं, तो इसलिए तुम्हें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि पहले तो जैसे अपन इसको ड्रॉ करें थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप, तो थ्री इस डायरेक्शन में जाएंगे फोर इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये ऐसा आएगा ए वेक्टर, ये क्या है माइनस थ्री माइनस फोर, तो थ्री नेगेटिव एक्स एक्सिस में और फोर नेगेटिव वाई एक्सिस में, बी वेक्टर अपना ऐसा आएगा, बात समझ में आ रही है। तो इससे ये एक चीज़ तो ये समझ में आ गई कि जब भाई अल्फा पॉजिटिव होगा तो 53 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, इसलिए मैंने लिखा था जब अल्फा पॉजिटिव होगा 53 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, करें ना एंटी क्लॉकवाइज, पर ये सफिशिएंट नहीं है क्योंकि तुम अगर सिर्फ इतना देखो अल्फा पॉजिटिव, तो अल्फा तो दोनों में पॉजिटिव है, दोनों में एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे तो दोनों सेम ही आ जाते। इसमें यह भी ध्यान रखना है इनका एक्स कंपोनेंट, अगर एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है तो जो 50 जो भी एंगल बन रहा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन से बनेगा, अगर एक्स कंपोनेंट नेगेटिव है तो जो भी एंगल बन रहा है वो किससे बनेगा, नेगेटिव डायरेक्शन से। जैसे यहाँ पर ये है ना 53 डिग्री, तो ये 53 डिग्री बताए पॉजिटिव डायरेक्शन से थोड़ी ना है, एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन से बन रहा है वो, ये पॉइंट लिखा हुआ है मैंने, देखो समझ में आया नहीं आया, तो सिर्फ इसको देख के आंसर मत देना, या तो ऐसे बनाना आना चाहिए, आ रहा है समझ में। तो इसका आंसर क्या हो गया तुम्हारा 53 डिग्री, इसका आंसर कितना हो जाएगा 180 प्लस 53 डिग्री। क्वेश्चन देखो क्या है, एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है चलो अगला करते हैं, सी वाला करते हैं, इन दोनों में कोई डाउट हो तो पूछो, और उसी के बेसिस पे ये नोट लिखे थे हमने। ठीक है, टेन अल्फा सी कितना है बताओ इसका, पी बाय पी एक्स फोर बाय माइनस थ्री, अब नेगेटिव आ रहा है भाई, तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है, ये सब पढ़ लिया है क्वाड्रेंट्स, है ना, तो क्या आ जाएगा भाई टेन 180 माइनस 53 माइनस टेन 53, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा ये 180, या फिर इसको सीधा माइनस, हाँ टेन फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है, तो सीधा इसको बोल सकते हैं अल्फा तुम्हारा कितना हो गया माइनस 53 डिग्री, सीधे बोल सकते हो तो अल्फा इज माइनस 53 डिग्री। तो माइनस का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जाओगे तुम, और आप बताए कौन से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज या नेगेटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज, दोनों में फ़र्क है, इधर से जाओगे तो यहाँ आएगा और यहाँ से क्लॉकवाइज जाओगे तो यहाँ आएगा, तो वो ये देखो ये क्या बोल रहे हैं भाई, ये नेगेटिव है ना, एक्स कंपोनेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले से क्लॉकवाइज जाओगे, तो नेगेटिव वाला ही इससे 53 क्लॉकवाइज, तो ये तुम्हारा क्या आ गया सी वेक्टर, नेगेटिव एक्स एक्सिस से 53 डिग्री क्लॉकवाइज, आया समझ में। ठीक है, और देख भी सकते हो माइनस थ्री प्लस फोर, तो एक्स एक्सिस पे माइनस एक्स एक्सिस पे थ्री जाओगे फिर बाय में पॉजिटिव फोर जाओगे, तो ऐसे ही बनता, वेरीफाई भी कर सकते हो तुम रिजल्ट्स को, दो तरीके बता दिए मैंने, दोनों से समझ में आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई सी वाले का, 180 माइनस 53 डिग्री, क्योंकि पॉजिटिव डा वाले से तो 180 माइनस 53 बन रहा है ना, क्वेश्चन तो ये पूछा गया था ना, तो तीनों के अलग अलग आंसर हैं, अगर तुम सिर्फ ये फॉर्मूला लगाते हो तो तीनों एक जैसे ही दिखते,
पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से तीनों के अलग अलग आंसर है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर नोटेशन में अगर हमको दिया होगा तो उससे हम मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे, डायरेक्शन भी निकालेंगे ना। ठीक है, अगला लिखो भाई, अगला पॉइंट नोट करके लिखो, स्केलर मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर, स्केलर मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर। जैसे अगर हमारे पास पी वेक्टर है, जैसे क्या मानना था, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप, इसको मैं किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, मान लो किसी से भी ना, मान लो एन है कोई नंबर है, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, उससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो एन पी वेक्टर क्या हो जाएगा मेरा। इस वेक्टर को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका हर एक कंपोनेंट उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो तुम्हें मिलेगा एन पी एक्स आई कैप प्लस एन पी वाई जे कैप। लिखो इसको, तो सारे के सारे कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अब मान लो हमें ऐसी भी जरूरत पड़ सकती है कि हमको मान लो पी वेक्टर दिया हुआ है, अब हमसे कोई कहेगा भाई पी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करो। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, है ना, और डायरेक्शन हो उसके पास। तो हमें क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए किसके डायरेक्शन में, पी वेक्टर के डायरेक्शन में। तो लिखो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू पी वेक्टर, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू पी वेक्टर इज गिवन बाय पी कैप, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू पी वेक्टर इज गिवन बाय पी कैप। क्या हो जाएगा वो, पी वेक्टर बाय मॉड ऑफ पी वेक्टर। क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। अगर पी वेक्टर को मैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा ना। मान लो इसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन था, 5 न्यूटन से डिवाइड कर दो तो 1 बचाना, तो इसके पास अब क्या बचेगा, सिर्फ डायरेक्शन बचेगा, मैग्नीट्यूड इसका 1 हो जाएगा, तो मिल गया हमको यूनिट वेक्टर। तो क्या आ जाएगा अपना पी कैप, पी वेक्टर क्या है, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप, और मॉड ऑफ पी वेक्टर अभी लिखा था हमने मैग्नीट्यूड रूट ऑफ प्लस पी वाई स्क्वायर, तो तुम्हारा पी कैप आ गया। क्या आ गया पी कैप, पी एक्स वाई रूट ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर आई कैप प्लस पी वाई रूट ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर जे कैप, ये तुम्हारा यूनिट वेक्टर आ गया। तुम इसको ध्यान रखना, बाकी स्टेप्स तुम खुद से लिख लोगे, इस तरह से तुम यूनिट वेक्टर निकालोगे कभी भी निकालना है तो। ठीक है, अगला पॉइंट लिखोगे, ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड लैम्डा एंड पैरेलल टू पी वेक्टर इज गिवन बाय, हमको अब ऐसा एक वेक्टर चाहिए जो पैरेलल तो पी वेक्टर के पैरेलल हो, पर उसको पी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ पी वेक्टर के डायरेक्शन से मतलब हो, जिस डायरेक्शन में पी वेक्टर हो वो भी उसी डायरेक्शन में हो, और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो, लैम्डा। तो अपन क्या करते भाई, मैग्नीट्यूड लैम्डा लिख दिया, और पी वेक्टर का डायरेक्शन कौन बताता है, उसका यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसा वेक्टर तुम्हें मिल जाएगा लैम्डा इनटू पी कैप। तो क्या आ गया, ये पी कैप तुम्हारे पास ऑलरेडी है, लैम्डा पी एक्स वाई रूट ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर आई कैप प्लस लैम्डा पी वाई रूट ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर जे कैप। देखो कुछ डाउट हो तो, ये प्रॉपर्टीज है ना, अब क्वेश्चन इन्हीं से सॉल्व होंगे, ये जो लिखी है अभी। देखो ए फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन, क्वेश्चन लिखो, ए फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर गिवन बाय -3i कैप + 4j कैप, फाइंड द फोर्स वेक्टर। फोर्स वेक्टर क्या होगा, जो अभी नोट लिखा है ना तीन, उनसे ही सॉल्व होगा क्वेश्चन। अपन को मैग्नीट्यूड ये चाहिए और डायरेक्शन इसका चाहिए, है ना, तो इसका डायरेक्शन चाहिए मतलब इसका हमको क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पहले क्या चाहिए होता है,
मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, रूट ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर, तो माइनस थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर कितना आ गया, फाइव। यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, पी वेक्टर वाई मॉड ऑफ पी वेक्टर, तो आ गया अपना माइनस थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप डिवाइडेड बाई। अब ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन हो और इसके पैरेलल हो, वो क्या होगा तुम्हारा, 50 न्यूटन पी कैप, लिखा था अभी लैम्डा पी कैप, जिसका मैग्नीट्यूड लैम्डा और डायरेक्शन पी कैप का हो, तो क्या आ गया तुम्हारा, 5 से 50 चला जाएगा 10 बचेगा, माइनस 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप न्यूटन। देखो कोई डाउट हो तो जो नोट्स लिखे थे उसी से सॉल्व कराए। ए बर्ड इज फ्लाइंग विद स्पीड 39 मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू पी वेक्टर, पैरेलल टू पी वेक्टर विच इज गिवन बाय माइनस 12 वाई कैप प्लस 5 जे कैप। फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर, फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर, स्पीड है उसकी 39 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, बर्ड का वेलोसिटी वेक्टर हो गया कितना है, ठीक है देखते हैं। तो अगेन वही चीज करनी है हमको यार, पी कैप चाहिए सबसे पहले, तो वो होगा भाई पी वेक्टर वाई मॉड ऑफ पी वेक्टर, पी वेक्टर इज माइनस 12 आई कैप प्लस 5 जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर विच इज रूट ऑफ 169 विच इज 13, तो आगे तुम्हारा माइनस 12 आई कैप प्लस 5 जे कैप डिवाइडेड बाई 13, ये तुम्हारा पी कैप आ गया। अब आंसर क्या है, वेलोसिटी वेक्टर इज नथिंग बट वी इंटू मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ये है तो आ जाएगा तुम्हारा 39 मीटर पर सेकेंड इंटू पी कैप माइनस 12 आई कैप प्लस 5 जे कैप डिवाइडेड बाई 13, तो कितना आ गया ये, माइनस 36 आई कैप प्लस 15 जे कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम इसके ना। मान लो हमारे पास कोई वेक्टर है, ए वेक्टर, से ए वेक्टर इक्वल टू एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप, फिर कोई वेक्टर है हमारे पास बी वेक्टर, से एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, तो याद करो जब दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो तो उनके जैसे आई कैप वालों कंपोनेंट को साथ में ऐड करना है, जे कैप और जे कैप वाले कंपोनेंट्स को साथ में ऐड करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू आई कैप प्लस वाई वन प्लस वाई टू जे कैप, ऑब्वियसली वही लग रहा है ना, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कर देंगे तो क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस कर देना, आई कैप वाले में से आई कैप माइनस करो, तो x1 वन माइनस एक्स टू आई कैप प्लस वाई वन माइनस वाई टू जे कैप, सिंपल सा है ये तो बिल्कुल, बस ध्यान रखना है आई कैप वाले को आई कैप से करना है, जे कैप वाले को जे कैप से करना है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हम बिल्कुल इस तरह से कर लेंगे। अब मान लो कोई हमसे पूछ ले जो a वेक्टर प्लस b वेक्टर आया है, ये जो रिजल्टेंट आया है इसका डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन क्या है या फिर इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट ऑफ, हाँ बिल्कुल वाई वन प्लस, क्योंकि वो पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर होता है इस वेक्टर के लिए, तो पी एक्स ये पूरा का पूरा है और पी वाई ये पूरा का पूरा है, तो ये आ जाएगा हमारा, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका बताओ भाई, अगर हम बोले इसका डायरेक्शन बताओ एक्स एक्सिस से, तो क्या आएगा पी वाई बाई पी एक्स होता है, तो क्या है इसका वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई, और इसके आगे क्या करना है वो तुम्हें पता है, लिखो जल्दी से। मान लो अगर तुम्हारा a वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, अच्छा ठीक है 3D वाला बाद में पढ़ो, अच्छा दो वेक्टर्स को हम इक्वल कब बोलेंगे,
अगर जैसे अभी अपने ए वेक्टर और बी वेक्टर लिखे थे, मैं बोलूंगी ए वेक्टर जैसे तुम्हारा था एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप, और बी वेक्टर था एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप। अगर मैं कह रहा हूँ कि ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर है तो वो कब होगा बताओ? बिल्कुल सही बात है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे, तो उसको इसके टर्म्स में कैसे बताओगे? बिल्कुल, अगर दो वेक्टर्स को सेम होना है तो उसको हर तरह से सेम होना जरूरी है, मतलब उनके x कंपोनेंट भी सेम हो, y कंपोनेंट भी सेम हो। तो उसकी कंडीशन है x1 इक्वल टू x2 एंड y1 इक्वल टू y2, दोनों ही सेटिस्फाई होने चाहिए साथ में। अगर सिर्फ एक सेटिस्फाई होगा तो उससे काम नहीं बनेगा। एंड दिस इज इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई, मतलब अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो दोनों वैक्टर इक्वल कहलाएंगे। अगर दोनों वैक्टर्स को इक्वल कह रहे हो तो ये होना जरूरी है। आया समझ में? अगर मान लो मैं कह रहा हूँ कि ए वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर, तो इसका क्या मतलब है? ये वेक्टर जीरो कब होगा? तो एक्स वन वाई वन के बारे में क्या बोल सकते हो? जीरो, दोनों जीरो होना जरूरी है ना। इसको देखो, कभी ऐसे मत लिखना कि ए वेक्टर को मैंने जीरो बोला फिर तुम लिख दो एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप इक्वल टू जीरो, फिर ऐसे लिख देना एक्स वन आई कैप इक्वल टू माइनस वाई वन जे कैप, ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। ऐसे कभी मत लिखना कि यहाँ पे जाके ऐसे लिख दिया। समझ में आया क्या? ये स्टेप गलत है, ऐसा नहीं कर सकते। आई कैप का जे कैप से कभी कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, ये अपने आप में एक अलग दुनिया होती है, एक्स कंपोनेंट वाली वाई कंपोनेंट वाली पूरी अलग दुनिया होती है, दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। तो सही तरीका क्या है फिर इसको करने का भाई? हम बोल रहे हैं कि ए वेक्टर नल वेक्टर के बराबर है, तो ए वेक्टर तुम्हारा क्या है? एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप, और नल वेक्टर मतलब क्या है? जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप, वो हर डायरेक्शन में जीरो है। अब ई वाली प्रॉपर्टी लगाओ, एक तरह से दो वेक्टर्स को कंपेयर कर रहे हैं ना यहाँ पे, ए वेक्टर और नल वेक्टर। तो जैसे बोला था एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, वैसे एक्स वन इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसका क्या है इंप्लाइज एंड इंप्लाइड भाई? एक्स वन इक्वल टू जीरो एंड वाई वन इक्वल टू जीरो। तो कोई वेक्टर जीरो वेक्टर तभी होगा जब उसके सारे कंपोनेंट जीरो हो जाए। अगर मैं बोल रहा हूँ ए वेक्टर जीरो के बराबर है तो उसका मतलब क्या है? इसका ये भी जीरो होना चाहिए और ये भी जीरो होना चाहिए। अगर कोई एक भी नॉन जीरो हो गया तो फिर वो जीरो वेक्टर नहीं बन सकता। जीरो वेक्टर होने के लिए सारे कंपोनेंट जीरो होना जरूरी है। क्लियर है क्या? देखो